प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ये सीख चुके हैं कि 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर के। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हमें इनको सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए, एक लड़की है, वो 1 किलोमीटर 350 मीटर एक जगह टहलने गई और वो टहली और टहलकर वापस आ गई, तो बताइए वो टोटल कितना चली। अब सीधी सी बात है, जब वो यहाँ से टहलने यहाँ तक गई तो वापस भी तो इतना ही आएगी ना, तो वही चीज़ हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहली बात, हमें किलोमीटर और मीटर को तो अलग अलग इस तरह लिखना होगा। अब वो कितना चली, 1 किलोमीटर 350 मीटर, अब इतना ही वो वापस भी आई, तो फिर हमने इसके नीचे यही लिखा। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड किया, ये यहाँ क्या आ गया, मीटर, ये हमें लिखना कभी नहीं भूलना है, और यहाँ पे आ गया 2 किलोमीटर, यानी कि वो 2 किलोमीटर 700 मीटर चली। आप लोग पहले भी जो पढ़ चुके हैं उसमें ये अच्छे से समझ चुके हैं कि जब भी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम सेम यूनिट को एक दूसरे के नीचे रखते हैं, ठीक है। अब अगर क्या है कि आपसे किसी ने कहा, एक बच्चा था वो चला है, फिर से हम इसको किलोमीटर और मीटर में अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। एक बच्चा वो बाइक से कहीं पे गया, कितना गया, 10 किलोमीटर और 500 मीटर्स, वो इतना गया। और दूसरा बच्चा था वो 4 किलोमीटर और 300 मीटर्स, इतना गया है। अब कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि पहला वाला बच्चा दूसरे वाले बच्चे से कितना ज्यादा दूर गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ज्यादा दूर पूछा है तो मतलब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, है ना, तभी पता चलेगा। तो चलिए माइनस करके देखते हैं, और ये हमारा आ गया 200 मीटर्स। अब किलोमीटर में क्या आया, यहाँ 6 किलोमीटर 200 मीटर, पहला वाला जो है वो उससे ज़्यादा दूर गया है। तो अब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से पता चल गया ना, हमेशा सिर्फ एक चीज़ का ध्यान, सेम यूनिट वाली चीज़ें सेम जगह रखते हैं, बस आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चन चुटकियों में ख़त्म कर दीजिए। ओके बाय।